आपको बताना यह है कि कराची आर्ट्स काउंसिल की अदबी और सकाफती सरगर्मियों से मुतालिक वैसे तो सब जानते हैं लेकिन ये बात कम लोगों को पता है कि यहाँ फनून लतीफ़ा भी सिखाए जाते हैं। I didn't know that. So, अगर आपने कुछ सीखना हो तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास मौजूद अदाकार। I know somebody who's learning acting at Karachi Arts Council. All right, so जी ये हमें दिखा रही हैं उस्मा अल करीम। Let's watch. बेसिक जो मेरा होल्ड है वो खड्डी पे। ये आप क्या बना रही हैं? जी ये मैं स्टोल बना रही हूँ। हम अपना थीसिस का काम कर रहे हैं और तो बाद में इस स्टोल का क्या करेंगी? ये स्टोल हम खुद यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रग बना रही हूँ। ओके, जूट से रग बना रही हूँ। ओके, तो ये भी आपका थीसिस का काम है? थीसिस का काम है। इस एकेडमी का ये कॉरिडोर है और यहाँ पर हम इंतहाई खूबसूरत आर्ट वर्क देख रहे हैं। पार्टीशन के बाद ये पहला इंस्टीट्यूट था जो बनाया गया आर्ट्स काउंसिल ही के साथ 1964 में। 58 में शुरू हुआ था इस पे काम, 64 में, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम, इसके पहले प्रिंसिपल जो है आज़र जूबी साहब थे। फाइनली लकीली शाह साहब ने मुझे जो है तीन साल पहले, जी अहमद शाह जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे जब मैं कनाडा में था तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको रिवाइव करना है, तो हमने फिर एक अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके एक प्रोग्राम शुरू किया जो कि पूरा फुल्ली अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसमें सिर्फ ट्यूशन फ़ी ही नहीं बल्कि हम इनको आर्ट मटेरियल भी देते हैं। तो हमारे यहाँ लियारी, लांढ़ी, कोरंगी, बल्दिया, ऐसी ऐसी जगहों से बच्चे बच्चियाँ आते हैं। मैंने ड्रीम में देखा था कि मैंने अपने अंदर से लिजर्ड को निकाला है। मतलब आप ख्वाब को पेंट करती हैं? जी जी बिल्कुल, ख्वाब को। जी कितने ख्वाब देखे हैं जिन्हें आप पेंट कर चुकी हैं? देखिए बताना तो मुश्किल है, बहुत देखे हैं मैंने, हर हवाले से देखे हैं। मेरी फेवरेट पेंटिंग है, मुझे बताया गया है कि ये आपने पेंट की है। जी मैंने पेंट किया। इसका आप क्या करेंगी बाद में? मैं इसको तो मैं चाह रही हूँ आपके घर पे लगवा दूँ मैं इसको। मैंने साइन बोर्ड भी काम उनका भी काम किया और पोर्ट्रेट वगैरह सब कुछ मैंने वहाँ पर सीखा। एक तस्वीर जो मॉर्गन फ्रीमैन की मैंने बनाई थी वो फेसबुक पे शेयर किए इन लोगों ने, फिर इसी के रेफर थ्रू जो है ना मैं यहाँ पर आया। प्रॉपर टेस्ट के साथ जितने भी हमारे जो बच्चे सुन नहीं सकते, कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम है, उनको प्रॉपर टेस्ट के साथ ही आप यहाँ पे? बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट के साथ आते हैं, ट्रांसलेटर इनकी साथ होती हैं, हम इनसे सवाल जवाब करते हैं। वाकई बहुत टैलेंटेड है तो उस हिसाब से हम उसको 100% स्कॉलरशिप भी दे देते हैं। बड़े मेहनती बच्चे हैं, ये मेहनत से भागते नहीं हैं तो काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हर बच्चे को जो है वो इंडिविजुअल आप अटेंशन देते हैं कि उसके काम के हिसाब से जिसका जो लेवल है उसके साथ हम उसको टेलर कर देते हैं उसकी नीड्स देख के। आमतौर पर यह तासर पाया जाता है कि जो आर्ट की तालीम है वो बहुत महंगी तालीम होती है, उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आर्ट्स काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में आने के बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ कि अगर आपको शौक़ है, आपका पैशन है, तो आप भी आर्ट में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जियो पाकिस्तान के लिए उस्मा अल करीम, कराची। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको इनबॉर्न टैलेंट मौजूद होता है लेकिन उसको रिफाइन करने के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता और वसाइल भी नहीं होते। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उनकी पढ़ाई रह जाती है, ब्रेक्स आ जाते हैं बीच में, तो दे कैन लर्न समथिंग आउट ऑफ द स्पेयर टाइम। या फिर बाज़ ऐसे ख़ानदानों को भी मैं जानता हूँ कि पढ़ाई अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो प्लीज़ यही सब कुछ सीख लें। ऑलराइट, यू वेरी राइट।